हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल से उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 14 कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था 1959 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एक्ट कब बना? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एक्ट ये बना था 1998 में। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय इलाहाबाद में है। कितने मेगावाट तक की परियोजनाएं लघु जल विद्युत परियोजना कहलाती हैं? 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं लघु जल विद्युत परियोजना कहलाती हैं। अगला है, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रांचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रांचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम ये लागू की गई थी आगरा में। अगला है, हरदुआ गंज ताप विद्युत परियोजना का प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ था? तो हरदुआ गंज ताप विद्युत परियोजना का प्रारंभ ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया था? तो कब आया था, ये आया था 2000 में। अगला, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ये स्थित है पौनी में। अगला क्वेश्चन, 12वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है, 16,274 मेगावाट। अगला है, परीक्षा तापी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है झांसी में। अगला है, अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो किस देश से संयुक्त से हो रहा है, जापान। अगला है, पनकी ताप परियोजना कहां पर है? तो पनकी ताप परियोजना ये कानपुर में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कितने केंद्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कुल 7 केंद्र हैं। अगला है, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? जो चंदौसी ताप विद्युत केंद्र ये मुरादाबाद में है। कहाँ पर है, मुरादाबाद। अगला है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से। अगला है, रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो रिहंद जल विद्युत परियोजना ये आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र। अगला है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र ये बनाया गया रिहंद नदी पर। अगला है, माता टीला विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित किया गया है? किस नदी पर स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया है वेतवा नदी पर। नेक्स्ट है, शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो शारदा जल विद्युत परियोजना ये आपके पीलीभीत में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस जनपद में है? तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना ये आपके सोनभद्र में है। कहां पर है, सोनभद्र। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु जल विद्युत नीति की घोषणा कब की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई थी 2009 में।
नष्ट है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ये आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। अगला देखते हैं, मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में? तो मेजा ताप विद्युत परियोजना ये आपके इलाहाबाद जनपद में है। अगला है, खाटमपुर बिजली परियोजना कहाँ पर है? ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाटमपुर बिजली परियोजना ये आपके कानपुर में है। अगला है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना ये की गई है रोजा में। आपको ध्यान में रखना है, रोजा में की गई है। अगला है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना ये स्थापित की गई है आपके चमोली में। कहाँ पर? चमोली में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है? तो देखिए, अनपरासी परियोजना ये निजी क्षेत्र की है। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला है, 12 ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो 12 ताप विद्युत ग्रह ये स्थापित किया जा रहा है जेपी समूह के द्वारा। अगला है, करछना ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है? तो करछना ताप विद्युत ग्रह ये स्थापित किया गया है आपके इलाहाबाद में। अगला है, नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? तो नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थापित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं? तो उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला देखते हैं, रिलायंस पावर द्वारा 8000 मेगावाट की विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो रिलायंस पावर द्वारा 8000 मेगावाट की विद्युत परियोजना ये आपकी स्थापित की जा रही है दादरी में। आंसर हो जाएगा आपका पहला। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की पन बिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की पन बिजली परियोजनाएं ये उत्तराखंड में विष्णुप्रयाग और श्रीनगर में स्थापित की गई। आंसर हो जाएगा आपका चौथा। अगला है, भारतीय नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी 1987 में। कब की गई थी? 1987। अगला है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी 1955 में। अगला है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कुल 10 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। अगला देखते हैं, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो आंसर मैं क्लियर कर रहा हूं, आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांच बालू सिलिका शेड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कांच बालू सिलिका शेड में उत्तर प्रदेश का
प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। अगला है, बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार आप लोग। मिर्जापुर का गजराइट बा रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो मिर्जापुर का गजराइट बा रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है टोलोमाइट के लिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? तो निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है। आंसर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है? तो कुल 33.33% वनों का विस्तार आवश्यक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। यूरेनियम 86 ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैं आंसर क्लियर कर रहा हूँ। तो आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी ए और सी, यानी लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। तो भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? अभ्रक का। अगला है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत में कोयले क्षेत्रों का प्रमुख स्रोत है? तो ध्यान में रखना है गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से आप किसे कायांत्रित चट्टानों से संबंध करोगे या करेंगे? तो किससे करेंगे आप? कार्नेट से। अगला है, क्वार्ट जाइंट कायांत्रित होता है। तो क्वार्ट जाइंट कायांत्रित होता है बलुआ पत्थर से। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति ये घोषित की गई थी 1998 में। अगला है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन हैं? कितने हैं? 6.88% रिकॉर्डेड वन हैं। अगला देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के ये भावर और तराई क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, यानी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में पाया जाता है। अगला है, उष्ण कटिबंधीय झाड़ियां राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो उष्ण कटिबंधीय झाड़ियां राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती हैं।
निकला देखते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वन क्षेत्र को कुल 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किया जाता है, उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत हैं? तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सबसे कम वन प्रतिशत हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी ये प्रारंभ हुई थी 1979 से 80। पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ? तो देखिए, 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका पहला। अगला है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी 1981 में। अगला है, नई औद्योगिक निवेश नीति का लक्ष्य कितना प्रतिशत औद्योगिक विकास प्राप्त करना है? नई औद्योगिक निवेश नीति का लक्ष्य कुल 11.2% औद्योगिक विकास प्राप्त करना है। अगला है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। अगला है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। अगला है, कौन सा जनपद जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है? रामपुर जनपद जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है। अगला है, उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, कब किया गया था? आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ये 1972, 1973, 1974 या 1975। तो कब किया गया था? 1972 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने बुनकर हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 6.64 लाख बुनकर हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। 1968, 1979, 1972, 1975। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। अगला, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल बुनकर विकास योजना कब से चल रही है? तो उत्तर प्रदेश में दीनदयाल बुनकर विकास योजना ये चल रही है 2000 और 2001 से। जनश्री बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू है? जनश्री बीमा योजना उत्तर प्रदेश में ये लागू है 2003 और 4 से। अगला है, बुनकर बहुबूदी फंड योजना उत्तर प्रदेश में कब से चलाई जा रही है? तो बुनकर बहुबूदी फंड योजना उत्तर प्रदेश में ये चलाई जा रही है 1975 से 76। कब से चलाई जा रही है? 1975 से 76। अगला है, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में लाभांवित आयु वर्ग है? तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में लाभांवित आयु वर्ग है 18 से 59 वर्ष। अगला है, ज्ञानेश्वर मिश्र राज हथकरघा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो ज्ञानेश्वर मिश्र राज हथकरघा पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश में ये लागू हुआ था 2012 से 13 में।
अगला है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने टसर रेशम फार्म हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 56 टसर रेशम फार्म हैं। अगला, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? तो रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये गोंडा में है। अगला है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल है? तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल है गन्ना। अगला है, 1903 में प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। प्रतापपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापपुर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। अगला है, भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली चीनी मिल ये स्थापित की गई थी देवरिया में। अगला है, उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का गठन कब किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का गठन किया गया था 1935 में। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी गन्ना विकास परिषदें हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 140 गन्ना विकास परिषदें हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान ये स्थापित किया गया आपके लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना की गई थी 1976 और 77 में। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने चीनी परिषद क्षेत्र हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 चीनी परिषद क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, चुनार, चुर्क एवं डला सीमेंट कारखानों को उत्तर प्रदेश सरकार से किसने खरीदा? तो चुनार, चुर्क एवं डला सीमेंट कारखानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने ये खरीदा था जेपी ग्रुप्स ने। किसने खरीदा था? जेपी ग्रुप ने। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चमड़े का बड़ा केंद्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो उत्तर प्रदेश का कानपुर चमड़े का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1971 में। अगला है, चमड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चमड़ा उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान है भारत का, सॉरी उत्तर प्रदेश का। अगला, हिंदुस्तान एलुमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ है? तो हिंदुस्तान एलुमिनियम कॉरपोरेशन ये रेणुकूट में है। कहाँ पर है? रेणुकूट। अगला है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है ये। फिरोजाबाद, आपको पता होना चाहिए कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कांच की। अगला है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के लिए बुलंदशहर, ये काफी प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, ये काफी प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना की गई थी 1952 में। अगला है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना ये की गई थी कानपुर में।